Hi everyone, I am Vivek Prasad for the Lockdown Academy. So in this video, I'm going to talk about this stock, Rail India Limited. So they are a company, कहाँ पे कहाँ किस नाम पे स्टॉप लॉस है और कितना टारगेट हो सकता है पैटर्न अकॉर्डिंग, मतलब सबसे पहले आप मेरे वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं वैसे तो मैं वीडियो के आखिर में बोलता हूँ, मतलब आपसे मैं पहले बोल दिया करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये वीडियो देखने से पहले ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और बाकी चैनल मेरे चैनल को बाद में जाकर शेयर करते हैं, है ना। तो उन्हें स्टार्ट करते हैं, मैं आपको चार दिखाता हूँ डायरेक्टली विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ये मैंने आप मैंने वीकली चार्ट ओपन कर रखा है, देखो ठीक है ना, मैंने वीकली चार्ट मैंने ओपन कर रखा है। मैं थोड़ा सा माउंट कर देता हूँ मेरे से क्लैरिटी के लिए, आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे। वीकली चार्ट है ठीक है ना, गेनिंग चार्ट नहीं है, स्लॉट का गेनिंग चार्ट, इसका वीकली चार्ट। तो क्या दिखाई दे रहा है आपको, एक पैटर्न दिखाई दे रहा है। कैसा पैटर्न, कैसा पैटर्न, ये पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है ट्राइंगल पैटर्न। और कौन सा ट्राइंगल पैटर्न, विच ट्राइंगल पैटर्न, सिमेट्रिक ट्राइंगल पैटर्न, राइट, सिमेट्रिक ट्राइंगल पैटर्न दिखाई दे रहा है यहाँ पे। सिंपल सी बात है, देखो मैंने यहाँ ऊपर से लाइव ग्रो करी और यहाँ नीचे से लाइव ग्रो करी, एक पैटर्न फॉर्मेशन है। देखो पैटर्न तो दिखाई दे रहा है, बट क्लाइंट बिहेवियर कैसा है यहाँ का, है ना। इस स्टॉक का मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा और यहाँ पे काफी कंसोलिडेट किया, काफी गिर, काफी वीक, ये वीकली कैंडल है ना, ये वीकली कैंडल है। तो यहाँ पे इसने काफ़ी हफ्ते काफ़ी वीक आप काउंट करना स्टार्ट करोगे। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, अगर है तो यहाँ से ना ये देखो, मतलब कि ये इसने 130 हफ्ते है ना, 910 दिन है ना, 910 में, मतलब ये 130 हफ्ते इसने यहाँ पे कंसोलिडेट किया, काफ़ी हफ्ते इसने बहुत कंसोलिडेट किया है ना, कंसोलिडेट किया, मतलब ना ये ऊपर गया और ना ही ये नीचे आया, यहाँ पे काफ़ी टाइम कंसोलिडेट किया और फाइनली फाइनली उसने एक यहाँ पे एक एक नया मूव किया इसने, है ना। 24 तारीख को, 24 तारीख के हफ्ते को है ना, 24 9 है, 24 9 के हफ्ते को इसने एक मूव किया, नया मूव दिया है ना, एक फ्रेश मूव दिया। उसके बाद तो ये ऑल टाइम हाई था ना, ये ऑल टाइम हाई ही है, ये देखो ये ऑल टाइम हाई है, यहाँ से देखो ये ऑल टाइम हाई है ना, ये लेवल, तो ये लेवल है, ये ऑल टाइम ने इस लेवल पे आने के बाद इतना मेरा माउस थोड़ा सा है ना, माउस लैपटॉप का माउस थोड़ा सा मैं इसमें नहीं हूँ। तो देखो ये जो ऑल टाइम हाई है ना, इस ऑल टाइम हाई के आने, इस ऑल टाइम हाई है, ऑल टाइम हाई है, इसके पास आने के बाद तो इसने कुछ थोड़े हफ्ते यहाँ पे रुको, यहाँ पे एक थोड़ा सा कंसोलिडेट किया है ना, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ रुका, इस ऑल टाइम हाई के पास में आने के बाद ऑल टाइम यहाँ पे देखो एक नया मूव बनाया, 24 9 को, 24 9 को एक नया मूव बनाया, नेक्स्ट मूव काफी एक पुल बैक आया, पुल बैक आने के बाद एक और नया ब्रेकआउट किया, एक नया ब्रेकआउट किया 4 सितंबर को, 4 सितंबर को उसने एक ब्रेकआउट किया। उसके बाद फिर क्या कंसोलिडेट किया है ना, कंसोलिडेट किया यहाँ पे ऑल टाइम हाई के पास, जैसे ना ये ऑल टाइम हाई ना,
Nhưng em bác sĩ nè bê bê hôm nay tôi bê lô gật bê hạ bê tôi xin tí. Rồi, yà xe. Bê bà. Bê 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 ổn tâm hay nhé. Nhưng nè bê 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 con xong đi bê bê bê. Nó hơi hợp với con xong đi bê 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 hạ bê 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 hạ bê 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 पास में आने के आने के बाद वहाँ से रुका, रुकने के बाद एक बेटा हो गया बिल्कुल नाट में। देखो ये बिल्कुल कैबिन है, बिल्कुल नाट में इसने बेटा हो गया। कब गया ये सब देखो, गया ये गया 28 नवंबर, है ना 28 नवंबर को, 28 नवंबर को इसका बेटा हो गया। उसके बाद में इसने एक उसके बाद में इसमें 3 ही आई, है ना, 1 2 3 3 हफ्ते, 3 4 हफ्ते, 3 हफ्ते इसमें 3 ही आई, है ना। ये बेटा देने के बाद तो देखो मैं आपको गेंद का दिखाता हूँ। तो आपने यहाँ कंबाइन मोमेंटम बगल बना हुआ है, देखो गेंद का में देखो, जैसे ये मैंने आपको बताया यहाँ पे मेरे गाँव के रखा है, आपने यहाँ पे गेंद का मैंने आपको दिखाया, लेकिन यहाँ पे ये है ना, यहाँ पे मेरे गाँव भी हुआ है। आपने इस नैग 35 है ना, यहाँ पे मेरे गाँव भी है ना, मैंने नैग लो किया यहाँ पे, ये नए ऑन टाइम है, वन टाइम हाई का नया ग्रो किया है यहाँ पे, मेकअप भी हुआ है 135 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे मेकअप भी है तो क्या हो सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ। साथ में बाइंग मोमेंटम बना हुआ है, मेकअप भी है, मेकअप भी एक हल्का सा पुल बैक आया है, रुका पुल बैक में हल्का सा पुल बैक आया है ना। उसके बाद फिर फाइनली 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को यानी कि कल परसों, दो दिन कुछ दिन पहले 22 दिसंबर को एक और फिर सब ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद फिर यही पे यहाँ पे रहा, यहीं पे ट्रैवल कर रहा है। तो आप बाय मोमेंटम बना हुआ है, देखो वॉल्यूम बना हुआ है, यहाँ पे वॉल्यूम भी है, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट भी है। तो स्टॉप लॉस क्या हो सकता है, स्टॉप लॉस ये लेवल हो सकता है, ये लेवल है स्टॉप लॉस 135 या 136, है ना, 136 स्टॉप लॉस 136। अगर आपने यहाँ पे बाय करना है तो 136 स्टॉप लॉस, ठीक है, 136 स्टॉप लॉस रहेगा। और अगर आपको थोड़ा सा और स्लिप नहीं करना है तो ये इस लेवल का स्टॉप लॉस मान लो 133 का, 123 लेवल। यहाँ पे देखो ये स्विंग है ना, ये देखो ये स्विंग है ना, ये स्विंग है, ये स्विंग के नीचे का स्टॉप लॉस 124 मान लो, या 123 मान लो, 123 का स्टॉप लॉस, या फिर ये वाला स्विंग मान लो, ये वाला जो स्विंग है, ये वाला जो एक पुल बैक आया था यहाँ पे, इसका मान लो 1 या फिर 1 का स्टॉप लॉस, ठीक है। और टारगेट कितना रह सकता है, टारगेट कितना, टारगेट मैं आपको पैटर्न एप्रो भी बताता हूँ, पैटर्न एप्रो भी ऑन टाइम है ना, ऑन टाइम है मैं आपको कोई रेफरेंस भी नहीं दे सकता, ऑन टाइम हाई के ऊपर है तो मैं कोई रेफरेंस भी नहीं दे सकता है ना। तो पैटर्न एप्रो भी बताता हूँ, पैटर्न एप्रोडिंग असल ये ट्राइंगल पैटर्न, ये ट्राइंगल पैटर्न एप्रोडिंग टारगेट रहेगा होना चाहिए, ये 200 लेकर ये हाई तक, मतलब ऑलमोस्ट 200% का टारगेट है भाई, ऑलमोस्ट 200% का टारगेट, 200% का टारगेट है ना ये पैकेज एप्रोविंग, ऑलमोस्ट 200% का टारगेट, 195 का टारगेट, 195% का टारगेट, 195% का टारगेट कहाँ से, यहाँ से, यहाँ से इस लेवल से, यहाँ से आप मेंटेन करोगे 195% इस लेवल से, 112 के लेवल से कितना होता है 195%, आप कैलकुलेट कर लेना। और मैंने आपको स्टॉप लॉस बता दिया, ठीक है, मैंने आपको स्टॉप लॉस बता दिया किस लेवल पे स्टॉप लॉस आपने कंसिडर करना है। और बाकी बाकी टारगेट आपने कितना, टारगेट आपने खाना है कितना, टारगेट तक आपने रहना है स्वाद अनुसार, पैटर्न एकोगे, पैटर्न एकोगे, टारगेट है मिनिमम 195% का टारगेट है ना, 190% का टारगेट है, 195% का टारगेट है। पैटर्न है तो देन पैटर्न, ट्राइंगल पैटर्न, एमिट ट्राइंगल, सिमेट्रिक ट्राइंगल, सिमेट्रिक ट्राइंगल पैटर्न है तो देन 195% का टारगेट है, ठीक है। अगर बाकी स्टॉप लॉस एरिया मैंने आपको बता दिया, स्टॉप लॉस आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, वन थर्टी इस बैक को, 136 लेवल को, या फिर ये वाले स्विंग को कर सकते हो, है ना। और बाकी ये 200 EMA के ऊपर है, आप ऐसा भी कर सकते हो कि तब तक ये 200 EMA के ऊपर ट्रैवल कर रहा है, तब तक ये 200 EMA के ऊपर ट्रैवल कर रहा है, तब तक आप इसको होल्ड करके रख सकते हो, है ना। या फिर 100 EMA देख लो, 100 EMA कितना होता है ना।
tập đã số ra đồ với nhiều mấy cái bài hát tập đã tập về là cần hết tập đã tập hết làm cái tập nhiều khi cái tập làm cái này em đã biết hồ bài cần cái áp hồ cái cần cái tập sạch nhiều tập đã nghe được số ra đồ với nhiều mấy cái bài hát này hết đó bạn yên bên nào đã biết bài một bài cần bắt đầu vậy bài một bài cần bắt đầu cái hồ nước miền đó cái hồ nước miền cái bài cần đó cái hồ nước miền hồ nước miền sao nhà học bên bồ nước bay em học em về câu trả em xem về trong mình nhưng mà để lấy ổn anh thầy cái này vẫn nhưng mà ngồi anh thầy anh này vẫn cái học bên trong về câu trả em bồ nước miền sao anh bảo thế cả sắp mình về cái hồ nước miền mới đâu quên bồ nước miền nhỉ mà cái nhân viên bảo nhân viên nghe sau cũng bán nhà đấy bán tiêu nhà đấy đó bồ nước miền này tôi học em gặp nên thì bài có một bài bắt đầu quá thật sao anh đọc mình đọc cái này 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 mình và thật sự là này mà thiên cái nào mà tao biết mà tao biết mà nếu mà bạn thân em tôi biết bạn này thành mà sang tao biết đó bỏ thì bỏ đừng sống nào như hồi đưa cho những cái cảm giác sinh nhé thế nào để soi ở yên mình cho anh cảm thấy nó mất cảm xúc thế nào kể được ghép những cái trò bạn tao đã chơi trong trò trên bạn tao là thăm dưới là về investment tao nên nói mẹ cả cái tôi đã bắt đầu tao cái tôi đã bắt đầu mẹ ở nhưng cái là bảo kia bảo nè oh professional qualified investment advisors nè còn là một số là nền sọt nhiều guidance nền sọt nhiều nhưng mà điều có cái point at some mặt nền đó nhưng mà điều có ọc tiêu hi tiêu vấn educational educational purpose sao kì hi nhưng mà điều có bảo kì bảo nè investment tại vì nó sẽ là nền sản tiêu là doanh nền sản tiêu hú thế nào mà khi mình đang bắt đầu cái công nghiệp được nhé thế nào mà khi hết đây là phần cái này cái bên này là đó được được ông mất số thì là đang là đó hú được cái sự tại cái này mình đã biết mà khi hết cái đó nó sẽ in cầm như này nhé Việt Nam là mình sao được Việt Nam là cái hú như vậy nó sẽ in cầm như này nhé thế nào mặc dù là còn gọi là sự mà khi mình sẽ tự test đó đang cưng đấy là gas nước ở thà đấy dạ vô đi là gas nước anh hôm ấp yên được passa gai không bà kia ấp cái nào cũng bắt đầu thế cho nên nó sọc nam thật cái nào thế cái này cho nên nó sọc nam cái nào ấp nhé nó sẽ trả lời mình như nào hay sọc nam yes thank you so much